नमस्कार दोस्तों, हार्दिक पांड्या को फुल टाइम कप्तान बना दिया गया है T20 का और वनडे टीम के वो श्रीलंका दौरे के साथ वाइस कैप्टन भी चुन लिए गए हैं। इस पर पूर्व भारतीय खिलाड़ी इरफान पठान ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत के दौरान ये कहा कि उनकी कप्तानी को लेकर चिंता होती है। उनकी निंदा नहीं की उन्होंने, उनकी तारीफ में ये बात कही है। पूरा मामला क्या है आपको बता दूं, शुरू से ही प्रशंसक रहे हैं इरफान पठान हार्दिक पांड्या के। बड़ौदा की तरफ से खेलते थे दोनों, उसी समय से हार्दिक पांड्या के अच्छे प्रशंसक रहे हैं इरफान पठान। लेकिन उनका कहना है कि वनडे और T20 में तो वो अच्छी कप्तानी करते हैं, लेकिन उन्हें फिटनेस पर ध्यान देना होगा। फिटनेस को लेकर उन्होंने कहा कि जिस भी टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या करते हैं, फिर चाहे वो गुजरात टाइटन की हो या भारतीय टीम की, वो अपना 110% देते हैं और टीम को जिताने का प्रयास करते हैं। इसी पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि यही उनके लिए दिक्कत है, उनका शरीर उनका साथ समय समय पर नहीं देता और आने वाले समय में अगर वो रेगुलर भारतीय टीम के साथ जुड़े रहेंगे, भारतीय टीम के साथ खेलते रहेंगे, तो ये उनके साथ तो फायदा होगा ही, भारतीय टीम का भी फायदा होगा। हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी भारतीय टीम के साथ जितना समय तक रहेगा, भारतीय क्रिकेट का फायदा ही होगा। 2022 हार्दिक पांड्या के लिए बहुत ही बेहतरीन साल रहा, जहां उन्होंने पहली बार कप्तानी करते हुए आईपीएल में गुजरात टाइटन को खिताब दिलाया, वहीं न्यूजीलैंड में कप्तानी की, T20 श्रृंखला में वहां चैंपियन बनाया। तो 2022 हार्दिक पांड्या के लिए तो बेहतरीन रहा है। 2023 अब देखना ये होगा कि उनके लिए कैसा रहता है। तो इरफान पठान ने यही कहा कि बड़ौदा के लिए या गुजरात टाइटन के लिए या इंडियन टीम के लिए, हार्दिक पांड्या जब भी कप्तानी करते हैं अपना पूरा समर्पण दिखाते हैं टीम के प्रति, लेकिन उन्हें अपने फिटनेस पर काम करना होगा और आने वाले समय में अगर वो निरंतर खेलना चाहते हैं तो उन्हें अपने फिटनेस पर जरूर ध्यान देना होगा, तभी वो भारतीय क्रिकेट में लंबा खेल पाएंगे। देखना ये होगा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 तक तो ऐसा माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या ही टीम के कप्तानी करते हुए नजर आएंगे T20 में, और वनडे में भी अब वो वाइस कैप्टन हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि कुछ दिन बाद रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा को, जहां 2023 वर्ल्ड कप के बाद वनडे की कप्तानी भी कर सकते हैं हार्दिक पांड्या, ऐसा माना जा रहा है।